गर्भ धारण की क्षमता को मजबूत करता है, गर्भ रुकने की क्षमता को बढ़ा देता है और उनकी गर्भ धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी तरह आपको 10 दिन कर दीजिए, 10 दिन दीजिए आप सुबह खाली पेट दे दीजिए इसको, जो है इसमें चाहे आप दाना दे डाल सकते हैं या कुछ भी आप किसी भी तरह से इसमें दाना दलिया जो भी है मिक्स करके आपको इसको दे दें, काफ़ी बढ़िया तरीका देखने को मिला है। तो इसी तरह 10 दिन आप दे देंगे, उसके बाद हिट में आती तो आप क्रॉस करा दीजिए या जो है सीमन करा दीजिए, आपकी पशु गर्भ धारण कर लेगी। नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव, मैं प्रतापगढ़ ब्लॉक चैनल में सबका स्वागत है। आज किसान भाइयों हम बात करने वाला हूँ, जैसे हमारी पशु गाय भैंस बछड़ी कटड़ी पनिया बार बार रिपीट कर जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी हम देसी तरीका बता रहा हूँ, कोई भी कारण हो, अगर किसी भी कारण बस आपकी पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ धारण नहीं हो रही है, तो जो आपको हम तरीका बताने जा रहा हूँ ये अगर तरीका आप आजमाते हैं तो 100% है कि आपकी जो गाय है गर्भ धारण कर लेगी सीमन कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद। तो हमें क्या देना है, किस तरह से देना है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले किसान भाई हमें लेना क्या है, आप देख पा रहे हैं ये है हल्दी। तो किसान भाई आप देख पाएंगे ये है हल्दी, आपको कितना लेना है, 2 चम्मच, इसकी मात्रा आपको 2 चम्मच लेनी है। ये हल्दी हो गया, हल्दी के साथ में ही आपको लेना है ये देखिए, ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये जो है बारिश का पानी लिया गया है, जो आप देख पाएंगे इसमें जो हम बारिश के सीजन बारिश हो रहा था तभी जो इसका पानी लिया था, ये बारिश का पानी है। तो आपको भी इसी तरह से बारिश का पानी ले लेना है या किसी तालाब में बारिश का पानी रुका हुआ है उसको ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जो हमारी पशु होती हैं गर्भ रुकने की क्षमता बढ़ जाती है। पहले ऐसा देखने को मिलता था कि जब हमारी पशु बार बार रिपीट पहले नहीं होती थी, क्यों नहीं होती थी, क्योंकि हमारी पशु जो है पहले जो है चराई पर जाती थी, चराई पर हम लोग ले जाते थे, वहाँ पर बारिश का पानी पीती थी, बरसात होता था तो उस पानी को पीती थी, इसके कारण उनके अंदर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता था और एक ही बार में वो गर्भ धारण कर लेती थी। तो बारिश का पानी आपको लेना है, देख लीजिए इसी तरह है, लगभग आधा लीटर लेना है आपको। देखिए दोस्तों इस तरह से जो है तैयार हो जाएगा, हल्दी रहेगा 2 चम्मच और आधा लीटर पानी बारिश का लेना है। इसी तरह से आपको 10 दिन देना है। ये जो हल्दी होती है ये एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है, इसके अंदर बैक्टीरिया जो हमारे पशु होता है उसके बच्चेदानी में कोई भी समस्या दिक्कत है, गर्भ नहीं रुक रहा है तो हमारी जो पशु है उसका गर्भ रुक जाएगा और जो भी उसके अंदर कोई भी कमी है इससे हल्दी से पशु हीट में भी आएगी और अंदर अगर बच्चेदानी में कहीं भी कोई भी समस्या है उसको सही करेगा। और जो बारिश का पानी है ये गर्भ धारण की क्षमता को मजबूत करता है, गर्भ रुकने की क्षमता को बढ़ा देता है और उनकी गर्भ धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी तरह आपको 10 दिन कर दीजिए, 10 दिन दीजिए आप सुबह खाली पेट दे दीजिए इसको, जो है इसमें चाहे आप दाना दे डाल सकते हैं या कुछ भी आप किसी भी तरह से इसमें दाना दलिया जो भी है मिक्स करके आपको इसको दे देना है। आधा लीटर पानी लेना है बारिश वाला और 2 चम्मच हल्दी लेना है। ये तरीका काफ़ी बढ़िया तरीका देखने को मिला है। तो इसी तरह 10 दिन आप दे देंगे, उसके बाद हिट में आती तो आप क्रॉस करा दीजिए या जो है सीमन करा दीजिए, आपकी पशु गर्भ धारण कर लेगी। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।